दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय हो। आप लोग देख रहे 9 दिनों का पद यात्रा, हिंदू पद यात्रा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक 160 किलोमीटर पैदल यात्रा। बागेश्वर धाम के धीरेन कृष्ण शास्त्री जी 9 दिनों का ये पद यात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक उन्होंने ओरछा धाम पर समापन करेंगे। आज वो तीसरा दिन है। आज छतरपुर से चलकर वो सुबह 7 बजे से चलकर 9 गांव में 10 से 12 किलोमीटर चलकर 9 गांव में वो विश्राम करेंगे और चौथा दिन का कार्यक्रम भी, चौथा दिन का भी पैदल यात्रा वो 9 गांव से आगे निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोग देख रहे हैं सुरेश के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारा ये 9 दिनों का पद यात्रा, हिंदू पद यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पैदल यात्रा 160 किलोमीटर। तो आज ये तीसरा दिन है, आज है 23 नवंबर। आप लोग देख रहे बागेश्वर धाम धीरेन कृष्ण शास्त्री जी का पैदल यात्रा, हिंदू जोड़ो और जात पात भुलाकर हम हिंदू एक है, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले, देख रहे कि भाई चारों तरफ जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर चल रहे हैं उनके लिए चाय के इंतजाम, नाश्ता के इंतजाम गली गलियों में उनके लिए व्यवस्था किया गया, पानी का भी इंतजाम किया गया है और बड़े बड़े रथ का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। आप लोगों को विस्तार से दिखाते आज तीसरा दिन का जो पैदल यात्रा उन्होंने शुरू किया है, आज की यात्रा में क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि गुरुजी पैदल चलते चलते उनके पाँव में छाले आ गए तो भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और पैदल चलते चले जा रहे। और आप लोगों ने यह भी देखा कि भाई किसी भी धर्म विरोधियों ने अभी बीच में थोड़ा सा दूसरी भाषा का प्रयोग किया, गुरुजी ने यही बताया कि भाई अभी तक तो कम था, और भी जितने लोग हैं वो भी शामिल हो जाए, वो भी आ जाए। और इस पद यात्रा में भारत से कोने कोने तक तो है ही, आप देख पा रहे हजारों लाखों लोग, आज 10 लाख से ऊपर जनता हिंदू पद यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक जाने वाले हैं। आप लोग देख रहे इस पद यात्रा में, आप लोग देख रहे भगवा झंडा, भगवा जो धारी जो कपड़ा पहने हुए, वस्त्र पहने हुए है, माताएं और बहनें चलते चले जा रही, पाओ में छाले हो, भूखे हो, प्यासे हो, कोई तमन्ना नहीं है, जय हो बालाजी, जय श्री राम का नारे लगाते हुए प्रभु की शरण में आगे बढ़ते हुए ओरछा धाम के ओर बढ़ते हुए 9 दिन का ये पद यात्रा में शामिल हुए है माता और बहने, कुछ बच्चे भी है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे जरूर भेजे। तो बागेश्वर धाम का आज ये तीसरा दिन जो नजारा आप लोग देख रहे, जैसे कि आप लोगों सभी वीडियो में मैंने बताया कि खाने पीने से लेकर रहने की हर व्यवस्था का गुरुजी ने इंतजाम किया है, जहां जहां वो रात्रि विश्राम लेते वहां पर भजन संध्या के आयोजन किया है। और ये पदयात्रा करने वाले सभी भक्तों जनों के लिए, अगर कोई बीमार पड़ते उनके लिए एम्बुलेंस, उनके लिए दवाई की व्यवस्था, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था, अगर वहां पर किसी को भी कोई असुविधा हो, चक्कर आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका सारे इंतजाम गुरुजी ने व्यवस्था करके रखा है। और सभी माता बहनों से, सभी भारत के नागरिक से यही कहा है कि जो भी बूढ़े बुजुर्ग है वो घर से सहमत करें, घर से इस पदयात्रा का भाग ले, यहाँ पर भीड़ में मत आए। तो आप लोग आज तीसरा दिन का ये पदयात्रा देख रहे बागेश्वर धाम से, आज छतरपुर से चलकर वो नागांव तक पहुंचेंगे, आज तीसरा दिन है। जय श्री राम लिखिए कमेंट में और वीडियो को आगे शेयर करते जाए और जय श्री राम का नारे लगाते जाए। हिंदू भाई को जो जोड़ने का उन्होंने बेड़ा उठाया, काम लिया है, आप लोग देख रहे आज तीसरा दिन है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय हो।